देखने को मिल रहा है। इसराइल की सेना ने मौत होने का दावा किया है। नसरुल्ला कौन है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दरअसल हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को और अधिक बढ़ाया नसरुल्लाह ने। लेबनान में 2018 के चुनाव दमदार जीत दर्ज की थी और हसन नसरुल्लाह 1992 से हिजबुल्लाह का चीफ है। लेबनान की मजबूत रणनीति और सैन्य ताकत है, तो ऐसे में जब ताकत को खत्म किया गया है तो अब देखना होगा कि युद्ध आगे किस ओर जाता है। सैयद अब्बास मुसावी की हत्या के बाद कमान संभाली नसरुल्लाह ने और हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को और अधिक बढ़ाया गया। लेबनान में 2018 के चुनाव दमदार उस दौरान जीत की थी और अब उसकी मौत की जानकारी निकलकर सामने आई है और इसराइल डिफेंस फोर्स ने इस बाबत जानकारी भी दी है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद अब देखना होगा कि आगे की स्थिति क्या रहती है, क्योंकि एक मजबूत कड़ी का खत्म होना, खात्मा करना यहां पर एक सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को और अधिक बढ़ाया गया था। 2018 में लेबनान में चुनाव जीतकर दमदार जीत दर्ज की थी। 1992 से हिजबुल्लाह का चीफ रहा है, तब से कमान संभाली हिजबुल्लाह की और अब जब हिजबुल्लाह की कमान संभालने वाला नसरुल्लाह का खात्मा हो गया है तो अब ये युद्ध किस ओर बढ़ेगा, क्योंकि लगातार तनाव की स्थिति देखने को मिल रही थी और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रभाव भी पड़ रहा था। और क्योंकि नसरुल्लाह का मारा जाना कहीं ना कहीं लेबनान में चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ था और जब चीफ का मारा जाना तो कहीं ना कहीं सेना को कमजोर जरूर करेगा। अब देखना यह होगा कि आगे की स्थिति क्या होती है, लेकिन फिलहाल इसराइल डिफेंस फोर्स ने इस बाबत जानकारी दी है कि सेना ने नसरुल्लाह की मौत का दावा किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि युद्ध जो है वो लगातार देखने को मिल रहा था और स्थितियां हर वक्त बदलती जा रही थी। फिलहाल दावा किया जा रहा है, 32 साल से संगठन का चीफ था। अब आप समझ सकते हैं इजरायली सेना का लेबनान में बेरूत समेत कई इलाकों पर मिसाइल हमला जारी है और इस बीच इजरायल ने बेरूत के दया शहर में रहने वाले लोगों को तुरंत इलाका खाली करने को भी कहा है। इजरायली सेना का यह कहना है कि इन जगहों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह और इसराइल पर हमले के लिए कर रहा है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया है। इजरायली सेना का दावा है कि बेरूत पर हवाई हमले में वो ढेर हुआ है। 32 साल से संगठन का चीफ था। फिलहाल राजधानी बेरूत में हमले के बाद एक बिल्डिंग से धुआं उठता भी दिखाई दिया गया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब इस हमले में मारी गई है और हिजबुल्लाह ने जैनब की मौत की पुष्टि नहीं की है। इजरायली चैनल 12 ने उसके मारे जाने की सूचना भी दी है। आपको जानकारी दे दें कि बेरूत में 4 इमारतों पर हमला किया गया और बताया जा रहा था कि यहीं से जो है पूरे युद्ध की रणनीति तैयार की जा रही थी और यहीं पर हमला यहां पर किया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये वो इलाका है जहां पर हेडक्वार्टर था हिजबुल्लाह का। इसराइल के निशाने पर ये हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर आया है और यहीं पर जो है अटैक किया गया है। इस हेडक्वार्टर से ही सारे काम जो है वो किए जाते थे और फिलहाल राजधानी बेरूत में हमले के बाद इस बिल्डिंग से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे इस बात की जानकारी सामने आई है कि यहीं पर हिजबुल्लाह चीफ। वक्त हुआ, नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और बड़ी खबर सबसे पहले वॉर जोन से, जहां पर लेबनान की राजधानी बेरूत पर इसराइल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि अब हिजबुल्लाह चीफ डरा नहीं पाएगा। बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर देर रात हुए हमलों में कई कमांडर्स भी ढेर हो गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। इनमें हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कारची भी शामिल है। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से नसरुल्लाह की मौत को लेकर कोई बयान अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इसराइल की तरफ से, इसराइल की सेना की तरफ से नसरुल्लाह के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। तो यह बड़ी खबर, लेबनान की राजधानी बेरूत पर इसराइल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया है। इसराइली डिफेंस फोर्स ने बाकायदा नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि करते हुए कहा है कि अब
हिजबुल्ला चीफ डरा नहीं पाएगा। बेरूत में हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर देर रात हमला किया गया और इस हमले में न सिर्फ नसरल्ला को ढेर कर दिया गया है जैसा दावा किया जा रहा है इजरायली सेना की तरफ से, बाकायदा यह भी कहा गया कि कई और कमांडर्स भी मारे गए हैं, ढेर कर दिए गए इस हमले में। इनमें हिजबुल्ला के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कारची का नाम भी बताया जा रहा है। हालांकि हिजबुल्ला की तरफ से अभी तक नसरल्ला की मौत के बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि दावा इजरायली सेना की तरफ से किया जा रहा है। तो अभी हिजबुल्ला की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी सामने निकलकर नहीं आई है। मारा गया हिजबुल्ला चीफ, हिजबुल्ला का गेम ओवर। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर मिसाइलों की बरसात कर दी। इसराइल ने दावा किया कि उसके निशाने पर हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला था। और उसके बाद जो तस्वीर आई उसमें लेबनान की राजधानी बेरूत धमाकों से दहल गया। इसराइल की एयर स्ट्राइक में बेरूत में 6 इमारतें ध्वस्त हो गईं और फिर वो दावा आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। इसराइल ने दावा किया कि उसके हमले में हिजबुल्ला का चीफ नसरल्ला मारा गया। जिस वक्त बेरूत पर हमला हुआ उस वक्त इसराइल के प्रधानमंत्री अमेरिका में थे। यूनाइटेड नेशन में उनके स्पीच के 1 घंटे बाद ही इसराइल ने बेरूत में मिसाइलें दाग दी। हमलों को लेकर इसराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसने हिजबुल्ला के उस इमारत को निशाना बनाया जहां एंटी शिप मिसाइलें रखी थी, और इसी इमारत में नसरल्ला के होने का भी दावा किया गया। इसराइल की जिस मिसाइल ने बेरूत में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया वो एक घनी आबादी वाला इलाका था। उसके आसपास गैस स्टेशन, पुलिस स्टेशन और स्कूल चर्च थे। लेकिन इसराइल ने दावा किया कि उसकी मिसाइल ने ठीक उस इमारत को निशाना बनाया जहां हिजबुल्ला के हथियार और मिसाइलें रखी थी, और इसी हमले में हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला के मारे जाने का भी दावा किया गया। इसराइल की तरफ से यह भी दावा किया गया कि जहां हमला किया गया वहां हिजबुल्ला के टॉप अधिकारी मीटिंग करते थे, और इसके बाद ही हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला से संपर्क नहीं होने का भी दावा सामने आया। हालांकि हिजबुल्ला के एक करीबी सूत्र ने दावा किया कि नसरल्ला जिंदा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि नसरल्ला जिंदा है या नहीं, लेकिन इसराइल के हमलों से लेबनान पूरी तरह से दहल गया है। हमास में तबाही के बाद इसराइल का पूरा फोकस अब लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि हमास पर इसराइल के हमलों के बीच हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल के ठिकानों पर कई बड़े हमले किए गए और उसके बाद इसराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया, जबकि नेतन्याहू ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ उसकी जंग अब नहीं रुकने वाली है। और नेतन्याहू की इस चेतावनी की तस्वीर अब लेबनान के हर शहर में दिखने लगी है। शुक्रवार और शनिवार की रात जिस तरह से बेरूत में इसराइल ने हमला किया उसके बाद लेबनान में चारों तरफ हवाई मची हुई है, लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्ला की तरफ से हमले नहीं रुके हैं। मतलब साफ है कि अभी जंग और खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर भी आपको बताना चाहेंगे, और वो ये है कि नसरल्ला की मौत के बाद ईरान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसा हमने बताया कि ईरान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान ने ओआईसी की आपात बैठक बुलाई है। ईरान के सुप्रीम लीडर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अली खमनई को सुरक्षित ठिकाने पर भेजा गया है। तो बड़ा डेवलपमेंट लगातार सामने आ रहा है।
नसरल्ला की मौत के बाद ईरान में हाई अलर्ट। हालांकि हमने आपको जिस तरह से बताया कि हिजबुल्ला की तरफ से किसी तरह की पुष्टि नहीं की गई है, कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन इस बीच जिस तरह से ईरान हाई अलर्ट पर आ गया है नसरुल्ला की मौत के बाद, तो फिर यह एक बड़ी बात और डेवलपमेंट है कि ईरान ने ओआईसी की एक आपात बैठक बुलाई है। ओआईसी एक तरह से कहें कि इस्लामिक नेशंस की एक गठबंधन है, संगठन है, उन तमाम लोगों को उन्होंने बैठक बुलाया है। इस बैठक के दौरान अब क्या कुछ बात होगी, और इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि आशंका तो ईरान को भी है, ईरान को भी यह डर है, एक भराहट है कि खमनई के ऊपर भी कहीं किसी तरह का अटैक ना हो जाए, हमला ना हो जाए। और इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भले ही दावा करें कि इसराइल जंग जीत रहा है, लेकिन हकीकत में हमास और हिजबुल्ला के बाद अब हूती ने इसराइल की राजधानी पर ऐसा भीषण हमला किया कि पूरा इसराइल खौफ में आ गया। हूती ने फिलिस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव पर हमला किया, जिसे देखकर ईरान के सुप्रीम लीडर खमनई ने बोल पड़े, शाबाश हूती, तुमने कर दिखाया। हूथी का मिसाइल हमला, ईरान बोला शाबाश हूथी। अब ये दावा कर पाना बेहद मुश्किल है कि इसराइल हमास और हिजबुल्लाह को जंग में आसानी से हरा देगा। हूथी लड़ाकों ने इसराइल पर ऐसा भीषण मिसाइल हमला किया कि अमेरिका तक हैरान रह गया। हैरानी की बात तो यह है कि महज 18 घंटे पहले ही पीएम नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि वो हिजबुल्लाह पर जमीनी हमला हर हाल में करेंगे। पीएम नेतन्याहू के ऐलान से कुछ घंटे बाद ही इसराइल पर हूथी ने बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर दिया है। 2200 किलोमीटर दूर से हमला, तेल अवीव में मचा कोहराम। हूथी के हमले को देखकर जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई गदगद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह हूथी के मिसाइल हमले को देखकर दंग रह गए हैं। हूथी ने इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर 2200 किलोमीटर दूर से हमला किया है। हूथी ने दावा किया कि उसने इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। हूथी का दावा है कि उसने यमन से मध्य इसराइल पर सीधा बड़ा हमला किया। खबर के मुताबिक 2200 किलोमीटर दूर से हूथी ने इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर लंबी दूरी की मिसाइल दागी है। हैरानी की बात तो यह है कि हूथी ने सितंबर महीने में इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर दूसरा बड़ा मिसाइल हमला किया। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसके एरो डिफेंस ने हूथी की मिसाइल को इंटरसेप्ट करके आसमान में ही तबाह कर दिया। استهدفت من خلالها هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة تل أبيب وذلك بصاروخ باليستي نوع فلسطين 2 واستهدفت كذلك هدفا حيويا في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا وقد حققت هوتي نے لیا حزب الله کے کمانڈروں کا بدلہ। इजरायली सेना जहां एक तरफ लेबनान पर भीषण जमीनी हमले करने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने पिछले 90 दिनों में हिजबुल्लाह के कम से कम 17 टॉप कमांडरों को मार डाला है। हिजबुल्लाह को हुए जबरदस्त नुकसान से जहां ईरान परेशान है, तो वहीं हूथी इजरायली सेना पर जमकर हमले करने में जुट गया है। जरा देखिए हूथी ने हिजबुल्लाह के किस लड़ाके का बदला मिसाइल हमले से लिया। पहले आप ये जान लीजिए कमांडर मोहम्मद सरूर कौन है जिसकी मौत का बदला हूथी ने लिया है। कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट का चीफ कमांडर था, जिसे कल बेरूत में इजरायली सेना ने मार गिराया।
इजरायली सेना के दावों के मुताबिक इसराइल ने दक्षिणी बेरूत में भीषण हवाई हमला किया था, जिसमें हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट का चीफ कमांडर मोहम्मद सरूर मारा गया है। दावा किया गया है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ दहिया में हवाई हमला करके हिजबुल्लाह के कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर को मार डाला है। हैरानी की बात तो ये है कि 24 घंटे के अंदर ही हूथी ने हिजबुल्लाह के ड्रोन चीफ कमांडर की मौत का इजरायल से बदला लिया। असल में कुछ दिन पहले ही हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट का चीफ कमांडर मोहम्मद सरूर यमन गया था, जहां उसने हूथी लड़ाकों को ड्रोन मिसाइल से लंबी दूरी के हमले करने की ट्रेनिंग दी थी। यमन से जैसे ही हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट का चीफ कमांडर मोहम्मद सरूर बेरूत पहुंचा, तभी इसराइल ने खुफिया जानकारी के इनपुट पर हवाई हमला किया और उसे मार दिया। इजरायली सेना का साफ कहना है कि हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट का चीफ कमांडर मोहम्मद सरूर ही इसराइल पर हूथी और हिजबुल्लाह लड़ाकों से बड़े मिसाइल और रॉकेट हमले करवा रहा था। ईरान और हिजबुल्लाह ने भी माना हूथी का लोहा। पेजर ब्लास्ट, वॉकी टॉकी धमाके और एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह लड़ाकों में दहशत फैल गई है, और इस बीच लेबनान में घुसकर उसे पूरी तरह उखाड़ फेंकने के पीछे का मकसद क्या है, यह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि लेबनान के हिजबुल्लाह को इसराइल ईरान के बाद अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसराइल और हिजबुल्लाह लेबनान की सीमा पर तब से लड़ रहे हैं जब गाजा में युद्ध शुरू हुआ। 7 अक्टूबर 2023 से 20 सितंबर 2024 तक इजराइल और लेबनान ने एक दूसरे पर जो हमले किए हैं वो इन दोनों के बीच की शत्रुता की गवाही है। इन 11 महीनों में इजराइल ने लेबनान पर 8,313 हमले किए हैं, जिसमें 752 लेबनानियों की मौत हुई है। वहीं इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह और हूथी विद्रोहियों ने 1,901 हमले किए हैं, जिसमें 33 इजरायलियों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह हमास और हूथी विद्रोहियों का पक्का सपोर्टर है, और इस सपोर्ट की सीख उसे ईरान से मिलती है, जो हिजबुल्लाह की फंडिंग करता है, ट्रेनिंग देता है और इसराइल पर लेबनान की ओर से हमले के लिए उकसाता है। इसके लिए ईरान ने लेबनान में अपने रिवोल्यूशनरी गार्डों की तैनाती भी की है। हिजबुल्लाह का समर्थन करने वाले ईरान ने इसराइल के हमलों की निंदा की है और कहा कि मध्य पूर्व इन दिनों पूरी तरह से तबाही का सामना कर रहा है। ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि अगर इसराइल ने अपना हमला बढ़ाया तो तेहरान हर तरह से लेबनान का समर्थन करेगा। इस बीच इसराइल के पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है, इसराइल की प्लानिंग 2006 और 1982 के लेबनान इसराइल युद्ध की याद दिलाते हैं, जिसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको भी होनी चाहिए, लेकिन इसे आगे दिखाएंगे। इस वक्त इसराइल लेबनान में घुसकर क्या हासिल करना चाहता है उसकी रिपोर्ट देखिए। नेतन्याहू 60,000 से ज्यादा इसराइली नागरिकों को सुरक्षित अपने घर पहुंचाना चाहते हैं। ये सभी लोग उत्तरी इसराइल के निवासी हैं और हिजबुल्लाह के साथ शुरू हुई जंग के बाद अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने पर मजबूर हुए थे। इसराइल का इरादा किसी तरह से लेबनान में घुसने का है। इसराइल उस खतरे को निष्क्रिय करना चाहता है जो हिजबुल्लाह वहां के नागरिकों पर थोप रहा है। इसराइली सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी को सुनिए। והיום נמשיך, ואנחנו לא עוצרים, ממשיכים לתקוף וממשיכים לפגוע בהם בכל מקום. इजराइल का पहला लक्ष्य हिजबुल्ला लड़ाकों पर हमला करके उनको दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी के उत्तर से किसी भी तरफ पीछे धकेलना होगा। इसकी दो वजह हैं। पहला, इसराइल के कस्बों की ओर दागे जा रहे छोटी दूरी के रॉकेट्स को रोकना, और दूसरा, 7 अक्टूबर को उत्तरी इसराइल पर किए गए हमले जैसी घटना की आशंका को खत्म करना। इसके लिए इसराइली सेना की प्लानिंग है कि वो लेबनान के गांवों में घुसेगी, जहां हिजबुल्ला ने कई सैनिक चौकियां बना रखी हैं।
हिजबुल्ला के पास लड़ाके तो हैं, लेकिन इजरायली टैंक मरकावा की तोड़ उसके पास नहीं है और ना ही इजरायली सेना की तरह हिजबुल्ला के लड़ाके ट्रेंड हैं। लिहाजा इजरायल लेबनान में घुसता है तो लेबनान का दूसरा गाजा बनना तय है। इसे रोकने के लिए कई देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने इजरायल लेबनान सीमा पर तत्काल 21 दिन के युद्ध विराम की अपील की है। भारत ने एक एडवाइजरी जारी कर भारतीयों से अगली सूचना तक लेबनान की यात्रा नहीं करने का आग्रह किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली सैनिकों को संभावित जमीनी कार्रवाई के लिए अलर्ट पर रखे जाने के बाद पूर्ण युद्ध की संभावना को लेकर